हेलो गाइस, व्हाट अप एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय द्रागटा जी। तो गाइस आज हम आ गए यार शिमला में। आज हम पूछेंगे शिमला वासियों से कि क्या होगा अगर कल से लड़के प्रेग्नेंट हो जाए। तो गाइस सबको पता है यार कि इंडिया एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो बस यही एक क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या होगा अगर कल से लड़के प्रेग्नेंट हो जाए। तो गाइस आज आप बहुत इंजॉय करने वाले इस वीडियो को, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड प्लीज़ स्मैश दैट लाइक बटन, क्योंकि आज शिमला देगा बहुत ही अटपटे जवाब। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आगे। हाँ तो गाइस अभी हमें यार गेटी थिएटर के बाहर, और हमारे साथ हैं मुकेश, साहिल ठाकुर, अजय, सुमित। तो गाइस अभी हमें यार रेज मॉल शिमला चर्च के बिल्कुल सामने, और अभी हमारे साथ हैं नीरज, तरुण, दीपांशु, अरुण, प्रियांशु। हाँ तो गाइस अभी हमें टका बेंच के बाहर, और हमारे साथ हैं नमीरा, सना। हाँ तो गाइस अभी हमें मॉल रोड शिमला में, हमारे बीच हैं सिमरन, रिधि, आशिमा। तो गाइस आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सोशल क्वेश्चन लेके आए हैं कि क्या होगा अगर कल से इंडिया में लड़के प्रेग्नेंट हो जाए। तो चलो मान लेते हैं कि कल से अगर लड़के प्रेग्नेंट होना स्टार्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा। ये तो अजीब हो जाएगा। तो क्या होगा अगर कल से लड़के प्रेग्नेंट होना स्टार्ट हो जाए। अगर कल से लड़के प्रेग्नेंट होना स्टार्ट हो जाए, उनको एक्सपीरियंस होगा कि बंदी क्या क्या वो एक्सपीरियंस करती है 9 मंथ्स में, और उसके बाद उसको जो पेन होती है और बाकी मूड स्विंग्स वगैरह, तो उनके लिए अच्छा होगा, बिकॉज उनको नहीं लगता कि इतना इम्पोर्टेंट है या इतना उनको फर्क पड़ता है। हाँ, नॉर्मल नहीं होता, पेन नहीं होता एंड ऑल दैट। आपके सोचते आपको माइंड कहाँ घूम रहा है भाई कि अगर कल से लड़के प्रेग्नेंट हो जाए तो तुम्हारे मतलब क्या हो जाएगा, सोसाइटी में क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पुरुष प्रधान की प्रधानता है सामाजिकता के आधार पर वह कम हो जाएगी, प्रधानता कम हो जाएगी। क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, मतलब सोसाइटी में क्या क्या हो जाएगा। सोसाइटी में तो छोड़ो, पहले तो मेल के अंदर क्या क्या चेंज होंगे वो सोचने वाली बात है। सही बात है, क्या चेंजेस लगते हैं आपको होंगे यार सोसाइटी के अंदर। यार सारे ही चेंज हो जाएंगे, मतलब जो दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वो एक दूसरे का काम करेंगी, तो अब लड़कों को तुम प्रेग्नेंट कर रहे हो तो फिर लड़कों का काम कौन करेगा। और क्या होगा, मतलब सोसाइटी की मेंटालिटी पर क्या चेंजेस आएंगे। सोसाइटी की मेंटालिटी पर काफ़ी चेंजेस आएंगे, लाइक पता चलेगा लड़का पैदा करेंगे या लड़की पैदा करेंगे, फिर बताएंगे उनको कितना दर्द होता है लड़का पैदा करने में, लड़की पैदा करने में एक ही होता है। बाकी जैसे बोलते ना आजकल चलता क्या है वो, कि नहीं हमें तो लड़का चाहिए, घंटा लड़का चाहिए। अच्छा, तो ही होता है यार, किसी प्रेग्नेंट लेडी से पूछो कितना पेन होता है, उसको जाके पूछो कोई। अच्छा, आपको लगता है सोशली क्या चेंजेस आएंगे, मतलब हमारी जैसे लाइफ में हम बोलते हैं कि यार लड़कियाँ पीछे होती है लड़कों से, तो उस एक मेंटालिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ लेडीज़ पे होती हैं ऑब्वियसली, तो इस चीज़ का काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल्स को भी पता लगेगी कि कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इंडिया में सिचुएशन ऐसा होगी कि अभी लड़कियों के रेप होते हैं, फिर लड़कों के रेप होने लड़कों के रेप होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, मान लो एक लड़के का रेप हो जाता है तो क्या उससे कोई लड़की शादी करेगी कि नहीं। मेरे ख्याल से तो नहीं करेगी। नहीं करेगी, मतलब सिचुएशन पूरी उल्टी हो जाएगी। मतलब तो क्या लगता है, रेप्स पे कमी आएगी या फिर लड़कियाँ रेप करना स्टार्ट करेगी लड़कों का। नहीं, आंसर तो आपने खुद ही दे दिया। हाँ, मतलब लड़कियाँ करेंगी स्टार्ट। नहीं, जिसको जो डोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएगा वो तो करेगा ही। अब आपने खुद ही लड़कियां करना स्टार्ट कर देंगी तो हो सकता है करना। इसमें भी ये प्रॉब्लम ऑफ सेक्स रेशियो, हां मे बी ए प्रॉब्लम ऑफ सेक्स रेशियो बट नॉट कंप्लीट। नहीं होएगी। तो जो इंडिया में जो रेप्स होते हैं उसके नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब लड़कियां रेप करना स्टार्ट कर देगी क्या लड़कों का। नहीं, आई डोंट थिंक सो। लड़कों को होती है कि हाँ वी कैन नॉट कंट्रोल, उसके बाद वो सारी चीजें बढ़ती है, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली, रेशो घटेगा बढ़ेगा, मतलब लड़कियां लड़कों का रेप करना स्टार्ट कर देगी क्या। करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, उनको भी तो पता चले जब फटती है तो कैसा लगता है। सही बात है, बिल्कुल। रॉड जब रॉड घुसती है अंदर कैसा लगता है, जब बोतल फूटती है रेता डलता है तो पता चलता है उनको कैसा लगता है। तो चलते हैं अपने ड्रग्स लेके चले होते हैं हवस के पुजारी साले, बच्चों के साथ यार, बच्चों के साथ छोटे छोटे 4 मंथ 12 मंथ की लड़कियों के साथ होता है यार, गुस्सा आता है, पता है बुरा भी नहीं लगता, गुस्सा आता है सब चीज़ें सुन के, जब
अभी तक लड़कियां पैदा करी थी बच्चे, अब अगर लड़के बच्चे पैदा करने स्टार्ट हो गए, मतलब लड़के बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उस केस में अगर वो बांझ निकला लड़का, तो उस केस में क्या होगा? मतलब उसको सोसाइटी हिंडर करेगी कि नहीं यार ये तो लड़का है, या फिर नहीं करेगी? गलती तो हमेशा लड़कियों की होती है, लड़कों की कहां से हो जाएगी गलती? अच्छा तो हम देखते हैं, अगर लड़का बांझ निकलता है तो उसकी सास उसको किस तरह का टॉर्चर कर सकती है उस टाइम पे शादी के बाद? आई थिंक ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यू नो मेल्स को वैसे भी ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इस चीज में, तो अगर ये चीज भी हो जाती है मेल्स के साथ तो ज्यादा कुछ बोला नहीं जाएगा, जितना कि वुमेन को सुनना पड़ता है। ज्यादा होता है कि इफ यू कैन नॉट बी प्रेग्नेंट तो अडॉप्ट कर लो, पर लेकिन शायद लड़कों को वो मिल सकती है कि यू कैन अडॉप्ट, प्यार से बोले, पर लड़की को नहीं हुई। अच्छा हाँ, तो गई, चलो यार मान लेते हैं वो लड़का बांझ निकलता है, ठीक है, तो जैसे अब सास होती है, तो जैसे बहू की सास होती है कि नहीं मेरे को लड़का चाहिए, नहीं भाई इसको बाहर भेजो, मेरे को दूसरी शादी करो लड़की की, अगर लड़का बांझ निकल रहा है उस केस में, तो उस केस में क्या होता है, क्या लगता है वो सास फिर भी अब लड़कों को डांटना स्टार्ट करेगी? बिल्कुल, मतलब डीड यही है कि सास को एक पोता चाहिए, मतलब जैसे जिससे आए, लड़के से आए लड़की से आए। बिल्कुल बिल्कुल यार, एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन किया है ना, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कंडीशन हो, ये कंडीशन आज भी है। अगर इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो मेल इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी होती है, होती है, और उस कंडीशन में मेल को ब्लेम भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं कि अभी भी नहीं होता, तो अब तो आप जेंडर को चेंज कर रहे हो, लेकिन अगर मेल में कमी है फीमेल में कमी, तो जिसमें कमी सर सोसाइटी ब्लेम करेगी करेगी, ये एक सोशल इशू है, वो तो कुछ भी चेंज कर लो, लोग कमी ढूंढते हैं, जिसमें कमी होगी पीछे बढ़ जाएंगे, साफ सीधी बात है। ताकि सोसाइटी को चेंज कर सके, मान लो चलो अब ये तो होने से राखी यार कि लड़के प्रेगनेंट होंगे, बट ऐसा क्या कर सकती है लड़कियां खुद? यार तुम क्या मैसेज देते हो लड़कियों की, कि जो भी मोलेस्टेशन लोग करते हैं या फिर जो भी रेप्स हो रहे हैं उस पर लड़कियां खुद अपने पे क्या कर सकती हैं? पहली बात ना, ये जो थिंकिंग है ना कि वो लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने बता दिया, हाँ। ये क्या होगा, वो तो उसको भेज दो डूंगे नाले में डूंगे नाले फेंक देना चाहिए यार, ऐसी ऐसी सोच का कुछ नहीं हो सकता। पहले सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर कोई बंदी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, वो किसी और की क्या कर लेगी? अपना पहले तो ये है कि खुद इतना एजुकेटेड हो जाओ, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, बस और क्या करना, लड़कों के पीछे क्यों भागना? वही प्रियंका चोपड़ा वाली लाइन है ना कि मुझे लड़कों की जरूरत सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस सही बस और कुछ सही में ऐसा ही होना चाहिए, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए चाहिए। प्रेगनेंट होना शुरू तो करें, फिर देखो लड़कियों में कितने मजा आएंगे। तो गाइस थैंक यू यार, हमारे बीच आए यार, थैंक यू आंसर्ड आवर क्वेश्चंस, थैंक यू गाइस, थैंक यू भाई, थैंक यू गाइस फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू, यू शेयर्ड योर व्यूज, थैंक यू, थैंक यू गाइस यार, आप मिले हमारे को, आपने क्वेश्चन दिए, वियर्ड जैसे क्वेश्चन का आंसर दिया, थैंक यू गाइस। तो गाइस आई होप यू लाइक माय वीडियो, अगर आपने एंजॉय किया तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हंस सके और देख सके कि हाउ शिमला रिएक्टेड ऑन दिस क्वेश्चन। एंड गाइस उसके बाद कमेंट डाउन बिलो यार, आप क्या चाहते हो हमें कि हम कौन से नए टॉपिक को लेकर जाएं और शिमला से पूछे वो सारे सवाल। तो गाइस सब्सक्राइब टू द मोस्ट अननोन चैनल ऑन द यूट्यूब, दैट इज द्रागता जी, क्योंकि गाइस आपके लिए यहाँ पे होने वाला है और भी ज़्यादा फन स्टफ, तो गाइस यू विल बी एंजॉइंग ऑल द वीडियोज जो हम आपके लिए बनाने वाले हैं। तो टिल देन गाइज रखिए अपना ख्याल और रहिए सेफ, साइनिंग ऑफ पवन।